नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी एंड अनूप ब्रदर्स आपका छोटा भाई। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि अपने गले में हरकत कैसे दिखाएं। किसी गाने में हरकत दिखाना एक तरीके से गाने की शोभा को बढ़ाता है और अच्छा लगता है लोगों के सामने। जब अपने गले की कुछ कला को यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छा जरूर लगेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों जानेंगे हम कि हमें अपने गले में हरकत लाने के लिए गमक का रियाज करना बहुत ज़रूरी है। और गमक का रियाज हम आकार में करते हैं। आकार का मतलब कि जैसे किसी जैसे हमने किसी सर्ग में अलंकार का रियाज किया तो कुछ लोग इस प्रकार करते हैं, कुछ लोग इस प्रकार करते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। हाँ, आप बाद में कर सकते हैं, बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको आकार में करना चाहिए। आकार का मतलब कि आपका कम से कम इतना मुंह खुलना चाहिए। इतना नहीं खुलता है, अगर इतना भी खुलता है तब भी चलेगा, बट अपना मुंह पूरा खोल के आकार में, जैसे कि कुछ इस प्रकार करना होगा। और जानेंगे कि गमक का वैश्विक रियाज मुझे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको पा प्रेस करना होगा, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सारे गामा पा। तो आप पा पे प्रेस करिएगा और आकार में कुछ झटके लेना है, और किस प्रकार लेना वो मैं बता रहा हूँ, तो समझिएगा। आपको झटके लेना है गले से। और ये बात ध्यान होना चाहिए कि जब आप ये कर रहे होंगे तो आपका सर हिलना नहीं चाहिए, स्ट्रेट एकदम बैठ के, सीधा बैठ के आपको करना है। और ये कुछ लोग ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम कंप्लीट करेंगे, कम से कम 2-4-5 दिन अच्छे से करेंगे और मन से करेंगे। भाई मेरे जैसी मेहनत करोगे वैसा फल पाओगे, ये तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये 2-4 दिन अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड पार्ट गमक के रियाज में। तो आप भी निकाल सकेंगे कुछ इस प्रकार की हरकतें। कुछ मतलब गाने में कुछ इस प्रकार की हरकतें होती हैं कि जो नीचे स्वर से और ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक आती हैं। कुछ मैं एग्जांपल के तौर में बताना चाहूँगा, कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों ये सब लाने के लिए सबसे पहले आपको अलंकार का रियाज करना होगा। और ये काम कोई छोटा नहीं है कि बस 2 दिन रियाज कर लिया और आ गया। इसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब आपके गले में अच्छे से हरकतें आएंगी। ये तो हमारा एक तरीका है बताने का दोस्तों। और तो आप अगर जिस प्रकार की मेहनत कर जैसी भी मेहनत करेंगे दोस्त, वैसा फल पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि सेकंड रियाज हमारा क्या होगा गमक का। ये अलंकार नंबर 3 है। इस अलंकार के माध्यम से हम अपने गले में हरकतें लाएंगे और गमक का रियाज करेंगे। कैसे? आपको पूरा नहीं करना है, स्टार्टिंग अगर करना है तो पहले सारे गा को मजबूत करें, कम से कम 2-3 दिन सारे गा करें, फिर उसके बाद रे गामा, फिर उसके बाद गामा पा,
ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपके गले में भी ऐसी ऐसी हरकतें आएंगी कि जो लोग आपके गायके में हंस रहे होंगे वो लोगों के चेहरे पे उदासियां दिखने लगेंगी। कुछ खास आएगा आपके गले में निखार कि आप भी अंदर से कहेंगे कि वाकई मैंने कुछ किया है और मैंने कुछ गाया है। तो इसके लिए हरकतें होना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर सूफ़ी सॉन्ग वगैरह ही ज़्यादा, और बॉलीवुड में भी यूज कर सकते हैं, बहुत से ऐसे गाने हैं जहाँ पर हम हरकत यूज कर सकते हैं और भक्ति गानों में। तो दोस्तों दिल से मेहनत करें, विश्वास है मेरा कि आप इस प्रकार अगर रियाज करेंगे तो जल्द से जल्द अपने गले में कुछ अच्छा ज़रूर देखेंगे। और बस बार बार कहूँगा, जैसी आपकी मेहनत वैसा आपको फल मिलेगा। ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात पे डेली का नियम बना लीजिए, 20 से 25 मिनट दीजिए सिर्फ सारेगा का रियाज करने के लिए। कुछ इस प्रकार आपको करना होगा, और जो बेसिक में मैंने पा पे बताया है झटके लेना, इनको भी कम से कम 20 मिनट, दो तीन दिन लगातार 20-20 मिनट करिए, ज़रूर से ज़रूर तीसरे या चौथे दिन आपको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ किया है। तो दोस्तों बस तैयार रहिए हर वक्त, हम बहुत कुछ अच्छा बताने वाले हैं और बहुत जो मेन मेन टॉपिक हैं हम वही बताएंगे आपको। और मैं आपको सीरियल सीरियल से नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि सीरियल वाला सिस्टम कुछ लोग समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते क्योंकि किसी के पास वक्त कम है। तो हम आपको मेन टॉपिक बताएंगे जिससे आप अपनी गायकी को बिल्कुल सुंदर बना सकते हैं। जी हाँ, प्रॉमिस, बना सकते हैं। तो बस दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँचे, और सपोर्ट करने के लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसे मुझे लगेगा कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और भी नए नए टॉपिक मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।